हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रिंटर है सिटीज़न का और मॉडल है सिटीज़न CLE 321। ठीक है, आज हम सीखेंगे इसके लिए कि इसका जो प्रिंट हेड है वो कैसे रिमूव करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये यूज्ड प्रिंटर है इसलिए मैं इसमें आपको डेमो करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ओपन हो जाता है। ठीक है, दोनों फिंगर यहाँ और यहाँ, ये दोनों फिंगर यहाँ रहेगी और इस तरीके से इसको खोल देता है। ठीक है, जब इसको करेंगे तो खुल जाता है। ये इसका रिबन लीवर है, ये हमने रिबन इसका रिमूव कर लेंगे। अब देखिए, ये होता है इसका प्रिंट हेड। ठीक है, ये पूरा ब्लैक जो पार्ट है ये पूरा प्रिंट हेड का पार्ट है। अब हम इसको रिमूव कैसे करेंगे? एक चीज़ और आपको बता दूं जिन्हें नहीं पता कि प्रिंट हेड हम रिमूव तब करते हैं जब इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंटिंग के टाइम लाइनिंग्स कंटिन्यू फिक्स्ड लाइन आ रही है लेबल्स पे, तो दैट मीन्स कि प्रिंटर जो प्रिंट हेड है उसमें स्क्रैचेस आ गए हैं। इस तरीके से जैसे वाइट वाइट हो जाता है, या वाइट ना भी हो तो भी स्क्रैचेस आ जाते हैं। स्क्रैचेस आने की वजह जैसे डस्ट की वजह से या गलत यूज़ की वजह से, साफ़ सफाई ना रखने की वजह से, मेंटेनेंस ना रखने की वजह से स्क्रैचेस आ जाते हैं। अब हम देखते हैं इसको रिमूव कैसे करना है। तो गाइस, बहुत ही सिंपल स्टेप है, इसमें आपको कोई भी टूल वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना, स्क्रू ड्राइवर कुछ नहीं लगता इसमें। ये देखिए, ये इसका प्लास्टिक है। ठीक है, इस प्लास्टिक कवर को हम इस तरीके से, देखिए कैसे कहा मैंने, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हुक है इसका ना, ये इसको ऐसे दबाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और पास कर, दिख रहा है क्लियर? ये जो हुक है इसको दबाएंगे और सेम हुक दूसरी तरफ भी। ठीक है, इस हुक को भी जब हम ऐसे दबाएंगे, देखिए इस तरीके से दोनों को पकड़ के हुक को ऐसे दबाएंगे तो बाहर आ जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थे वो हुक। ठीक है, ये हुक इसको इस तरीके से दबाना है और इस वाले को भी इस तरीके से दबाना है। जब आप दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के इसको दबाएंगे, ठीक है, तो ये नीचे को खींचने पर बाहर आ जाता है। तो ये हो गया इसका प्लास्टिक कवर। अब ये देखिए, ये प्रिंट हेड है। प्रिंट हेड का मैं आपको थोड़ा सा असेंबली किस तरीके से, इसकी असेंबल किस तरीके से हो रखा है वो बता दूँ। ये देखिए, इसमें यहाँ पे इसका हुक होता है, ये गैप बने हुए हैं इसके, एक होल यहाँ पे है, सेम होल एक यहाँ पे भी है, तो इसके ये हुक हैं, ये दिख रहा है आपको स्टील। तो ये हुक जो है हमें इसको निकालना है बेसिकली, तो ये बाहर आ जाएगा। तो निकालना कैसे है, हमें इसको देखिए इस तरीके से आपको पकड़ना है, जो इसके यहाँ पे जो गैप बने हुए हैं दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, इसको अंदर की तरफ पुश करना है, ऐसे अंदर की तरफ पुश करके। ठीक है, जब आप बाहर की तरफ इसको धक्का दोगे तो ये हुक बाहर आएंगे। सिंपल है, अंदर की तरफ पुश करके नीचे की तरफ दबाना है। ठीक है, ताकि वो हुक जो है अपने होल अपने गैप में से उड़ जाए। तो ये देखिए बाहर आ गया, इसको हम इस तरीके से निकालेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा नीचे दिखाओ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ठीक है, ये इसका एक पिन है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे इसका एक पिन है जिसमें ये होल में ये पिन फंस जाता है, जिससे कि ये इसके अंदर फिक्स हो जाता है। ठीक है, ये पूरा बाहर आ गया। ये बाहर आने के बाद आप ये देख रहे हैं, दो प्लग लगे होंगे, एक होगा आपका राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। ठीक है, इन दोनों प्लग्स को आपको निकाल देना है इस तरीके से। ये निकल गया, ये बहुत ही हार्ड प्लग होता है, मतलब इनको आप खींच के निकाल सकते हो इस तरीके से, पर ध्यान रहे ऐसे ऊपर नीचे करके निकालना है, सीधा निकालना है ताकि ये डैमेज ना हो। ठीक है, ये आपका प्रिंट हेड रिमूव हो गया। तो ये था हम प्रिंट हेड प्रिंटर में से कैसे रिमूव करते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है, बहुत ही अच्छा प्रिंटर है, प्रीमियम प्रोडक्ट है और काफ़ी जगह यूज़ होता है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। ठीक है, डेस्कटॉप क्लास प्रिंटर में आपकी सबसे ज़्यादा स्पीड वाला प्रिंटर यह है, जो कि 8 IPS की स्पीड पर चलता है, 8 इंच पर सेकेंड। तो जिन लोगों को नहीं पता कि प्रिंट हेड कैसे रिमूव करते हैं, तो इसे आप रिमूव कर सकते हैं। अब एक बार मैं लगा के भी बता देता हूँ आपको, देखिए।
वापस से जो प्लग्स हैं इनको हमने इस तरीके से लगा देना है जैसे ये लगे हुए थे। ठीक है, लगाते वक्त आप ये ध्यान रखना कि इसके जो पिन हैं, जैसे ये नीचे की साइड इसके होल हैं, सेम यहाँ पे भी आप देख रहे हैं थोड़ा नीचे की तरफ पिन हैं, तो इसी एंगल में इसको लगाना है, उल्टा करके नहीं लगाना इसको, थोड़ा सा दोनों तरफ से इस तरीके से पुश कर दिया, सेम हमने यही करना है। इसको भी हमने जैसे लेफ्ट वाली पोजीशन थी वैसे ही ये वाली रहेगी। ठीक है, लगा दिया, अच्छे से लगाना है आपको, लूज़ नहीं होना चाहिए। और ये जो गैप था इसका, इसको इस प्लेट और ये देखिए अंदर इसके स्प्रिंग भी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा जूम कर दो। ठीक है, ये स्प्रिंग है इसके, इस स्प्रिंग को थोड़ा सा इस स्प्रिंग के और इस प्लेट के, स्प्रिंग और प्लेट के बीच में ये प्लेट आएगी हमारी प्रिंट हेड की, तो इस तरीके से लगा देना है। तब आप इसको अंदर की तरफ पुश करोगे तो इसका जो मैंने पिन दिखाई थी आपको वो पिन इस होल में सेट हो जाएगी। अब वैसे ही करना है जैसे हमने इसको निकालते वक्त किया था, इसको अंदर की तरफ पुश करना है और आगे की तरफ करेंगे तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, स्टील दोनों होल्स में सेट हो गए, बस ये हमारा प्रिंट हेड फिक्स हो गया, ये कहीं नहीं जाएगा। और ये वो प्लास्टिक था जो हमने इसका कवर प्लास्टिक निकाला था, जो कि इसके प्लग्स को कवर करता है और प्रिंटिंग के टाइम अच्छे प्रिंटिंग में हेल्प करता है, तो इसको हम एज इट इज लगा देंगे जैसे लगाया था हमने। बस इसको कुछ नहीं करना है, फिर उनके गैप्स में फंसाना है, उसके गैप्स थे और इसको पुश कर देना, तो इस तरीके से प्रिंट हेड आपका असेंबल हो जाता है और रिमूव भी हो जाता है। इसको आप लगा दीजिए और प्रिंट निकाल के आप देख लीजिएगा आपका, ताकि आपको पता चल जाए कि ठीक से लगा भी है कि नहीं। अगर लूज़ होता है तो उस कंडीशन में प्रिंटिंग आपकी फेड आ सकती है। ठीक है, प्रिंटिंग आपकी एक साइड ना आते हुए एक साइड आ सकती है, और प्लग अगर ठीक से ना लगे हो तो प्रिंटिंग आएगी नहीं, एरर आ जाएगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि जो जो चीज़ें मैंने बताई है, खासतौर से प्लग्स, ठीक है, और इसकी जो स्प्रिंग और जो प्लेट्स थी उसके बीच में अच्छे से फिक्स होना चाहिए, पिन जो है प्रिंट हेड का जो होल है उसके अंदर होना चाहिए बस। तो ये थी वीडियो, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को काफ़ी लाइक करेंगे, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।